वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज का ब्लॉग मैंने स्टार्ट कर लिया है और आज का ब्लॉग मस्त होने वाला है। तो कभी कभी तो मैं ऐसे बोलता हूँ कि कैसा होने वाला पूछता हूँ। तो आज मैंने चार ड्राइंग बनाई है और आप लोगों को कमेंट करके बताना कैसी है। तो आज के ब्लॉग में मैं आप चार ड्राइंग बहुत दिखाऊँगा और ब्लॉग स्टार्ट कर लिया है। और अभी तो 4 ही बजे हैं तो थोड़ा देर रूम में बैठा हूँ तो काम वगैरह कर लेता हूँ। फिर हम 5 बजे तक ब्लॉग स्टार्ट करेंगे आगे का। और मैंने थोड़ा सा जल्दी स्टार्ट कर लिया है और घर के अंदर तो बना सकते हैं ब्लॉग, बाहर गर्मी बहुत है ना, इस कारण फिर पसीना पसीना हो जाते हैं। और आज मैंने फ्री टाइम में दोपहर को 4 ड्राइंग बनाई है पिंक पेज पे। तो वाइट वाला पेज ख़त्म हो गया और घर पे पड़ा था एक्स्ट्रा पेज, वो यूज़ करता हूँ मैं। फिर ये वो ख़त्म हो जाना फिर दूसरे पेज लेके आएंगे। तो पिंक पड़े मेरे पास 5 पेज थे छोटे छोटे, तो इसमें 4 ड्राइंग बनाई है तो मैं आपको दिखाऊंगा बीच में ब्लॉग में। तो लाइक कर देना और प्यारा सा कमेंट कर देना भी कैसी लगी है। तो मेरे को बताना है तो मैं प्रैक्टिस साथ में बताना, प्रैक्टिस कर रहा हूँ ना। तो चलो मिलते हैं बाद में, थोड़ा सा काम कर लेता हूँ मैं लैपटॉप पे और थोड़ा सा करना है काम, फिर हम 5 बजे बाद में ब्लॉग स्टार्ट करेंगे, उसमें मैं आपको दिखाऊंगा। गाइस अभी आ गया हूँ बाहर और थोड़ा ब्लॉग बनाते हैं। तो आज मैं आपको पूरी 4 ड्राइंग दिखाऊंगा, तो सीख रहा हूँ मैं। तो ब्लॉग में थोड़ा सा चेंजेस कर दिया, तो पहले मैं थोड़ा ज़्यादा ड्राइंग नहीं बनाता था और मैं सीख रहा हूँ। उसके बाद में मैं ये मेरा वर्क किया कतरंग का, तो मैं सीखने के बाद में बड़ी बड़ी ड्राइंग बनाया करूँगा। तो साथ साथ आप दिखा देता हूँ, फिर थोड़ा सा ना ये कंटेंट बन जाता है, वीडियो में थोड़ा पार्ट बन जाता है, इसलिए मैं दिखा देता हूँ। और मेन मकसद तो अपना लाइफ स्टाइल ब्लॉग ही है और बाहर घूमना है। तो बीच बीच में आते रहते हैं जैसे भी, मैं आपको दिखाता रहता हूँ, अपडेट देता रहता हूँ। ये चल रहा है अभी, तो फिलहाल तो यही चल रहा है और अभी बाहर के भी ब्लॉग आएंगे। अभी तो ब्लॉग स्टार्ट कर लिया है और अब मैं ड्राइंग दिखाऊंगा, 4 दिखाऊंगा। और आज मेरे को पूरा टाइम मिला दोपहर को, तो मैंने 4 बना दी। और कई बार टाइम नहीं मिलता फिर नहीं दिखाता मैं आपको, तो आज पूरी 4 दिखाऊंगा। पिंक पेज में बनाऊंगा, तो पिंक पेज पड़े थे मेरे पास, मैं इसमें बनाई है। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ। और थोड़ा सा ठंडा मौसम है तभी मैं बाहर निकलता हूँ, और दोपहर को गर्मी में मैं इतना नहीं बनाता ब्लॉग। तो बस मुझसे वाला गए थे वहाँ पर, गर्मी में गए थे ना, तो पानी वगैरह ख़राब कर गया इस कारण, तो फिर दिक्कतें बहुत आई थी ब्लॉग में, तो बोलने में दिक्कत आ रही थी इस कारण, पानी ख़राब कर गया। और गर्मी में घूम रहे थे ना खुले में इस कारण। चलो मैं आपको जल्दी ड्राइंग दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद में ब्लॉग और आगे बनाएंगे, क्यों थोड़ा सनसेट तो अभी नहीं हुआ है तो टाइम पड़ा अभी। तो चलो मम्मी जी यहाँ पे प्याज बना रही है, ऊपर देखो, हेलो कर दो हेलो। तो अभी शाम का टाइम है ना, तो सब्जी रोटी की तैयारी कर रहे हैं। तो मैं आपको पहले थोड़ा ड्राइंग दिखा देता हूँ, 4 बनाई थी मैंने आज, तो उसके बाद में ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे और बीच में दिखा देता हूँ। तो चलो मैं पहले दिखा देता हूँ, उसके बाद में बनाता हूँ, पूरी 4 है। तो गाइस अभी मैं आपको ड्राइंग दिखाने जा रहा हूँ और सनसेट भी होने वाला है, तो इतना करेगा। तो आज मैं थोड़ा सा लेट हो गया ना, तो अंदर काम करा था, एक वीडियो चढ़ाई थी मैंने धाम साधु शहर पर, मंदिर की वीडियो थी। तो एक जागरण में गए थे, मैंने ब्लॉग में नहीं दिखाया, तो इधर जागरण था पंजाब में, तो वो वीडियो मेरे को अपलोड करनी पड़ी और उसमें काफ़ी टाइम लग गया, 1 घंटा लग गया, इस कारण मैं ब्लॉग लेट स्टार्ट किया। और अभी मैं आपको ड्राइंग दिखा रहा हूँ, तो पहली ड्राइंग ये है सिंधु मुस्से वाले की, आप लोग देख सकते हो। तो एक बार इसे दिखा देता हूँ, फिर पीछे से दूसरे कैमरे से ना उसमें आपको सही दिखेगी। तो ये सिंधु मुस्से वाले की फ़ोटो है और अभी मैं सीख रहा हूँ ना, इस कारण थोड़ी सी अलिकास आपको अलग देखेगा, पूरा रियल नहीं देखेगा। तो ये सिंधु मुस्से वाले की ड्राइंग आ गई, तो ये पिंक पेज मैंने को पढ़े थे, ये तो ये होगी और एक ये मोर की होगी। तो अभी आपको थोड़ा उल्टा दिखेंगे, ये एक मोर के बनाई मैंने, आप लोग देख सकते हो। तीसरी ये बनाई है छोटा बेबी, इतना भी छोटा नहीं है, तो 7-8 साल का था ही। तो ये बनाई है, चश्मा भी बनाई है इसकी, और देख सकते हो आप लोग। तीसरी ये होगी, चौथी बनाई है ये मंदिर। तो ये मंदिर आपने ब्लॉग में देखा होगा, नाथ जी का मंदिर है साधु शहर में, तो ये उनका बनाया मैंने, इसका ब्लॉग भी है, प्रॉपर वीडियो भी है, आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पर मैंने बनाया है, तो मैं आपको पिछले कैमरे दिखाता हूँ, फिर आपको डिटेल में पता चलेगा। Thank you.
मैंने चारों आपको बैक कैमरे से दिखा दिया है, और अभी मेरे पास में चारों ड्राइंग है, आप लोग देख सकते हो। तो आप लोगों को कमेंट करना है कौन सी आपको अच्छी लगी। तो अभी मैं सीख रहा हूँ ना, आपको बताना कौन सी अच्छी लगी। और डेली आज तो मेरे को टाइम काफ़ी मिल गया ना, इस बार मैंने चार बना दी, नहीं तो मैं एक ही बनाता हूँ वो आपको दिखा देता हूँ। और कल मैंने लाइव भी किया था इंस्टाग्राम पर, और अभी तो आज तो नहीं कर पाऊँगा, तो लेट हो गया, तो अभी तो साथ साथ में करेंगे। और दूसरा फ़ोन होगा ना घर पे, तो ऐसे अब लाइव करेंगे, तो यहाँ पे लाइव करेंगे, आपको दिखता रहेगा, और कोई बात करेगा तो उसमें आपको साथ में पता चल जाएगा। तो सिंधु मूसे वाला की फ़ोटो है, एक मोर की है, और एक मंदिर की है टेम्पल, और एक छोटा बेबी, तो बच्चा कह सकते हो आप लोग। तो आप चारों में कमेंट करना आपको कौन सी अच्छी लगी, तो इससे मेरा स्किल बच जाएगी और मैं जल्दी मतलब सीख रहा हूँ, धीरे धीरे सीख जाऊँगा। चलो मिलते हैं, ब्लॉग कंटिन्यू करो। तो गाइस अभी देखो, अभी सनसेट हो चुका है, तो अभी तो पूरा अभी तो सनसेट हो चुका है, बस हल्का सा पेड़ों के बीच में हल्का सा दिख रहा है। ये तो समंदर हो ना, और खाली एरिया हो जैसे रेगिस्तान वगैरह, वहाँ पे देखने का मज़ा अलग ही है। अभी यहाँ पे तो झाड़ियाँ वगैरह सामने, इधर नहर है ना, वो तो इधर नहर सामने है, तो ये खेत आ रहा खेत ही है, इधर साइड पूरे खेत ही है, और जो ये मकान के पीछे साइड में ये पूरा इधर पूरा साधु सर बसा हुआ है, और इधर साइड पूरा, और इधर साइड पूरी नहर है, और पीछे मेन रोड है जो पंजाब में और राजस्थान गंगानगर इधर जाती है। और पहले ब्लॉग आप ही बनाता था, मैं बाहर नहर वगैरह पर चला जाता था, और बाद में बस टाइम नहीं मिलता घर पे बनाता हूँ, करूँगा सही करूँगा ये ब्लॉग, बाहर के आएंगे ज़्यादा आपको घर के नहीं दिखाऊँगा ना, तो बस थोड़े दिनों की बात है। और ये भी सीख रहा हूँ ड्राइंग वगैरह, और ये बाद में मैं बड़ी बड़ी पेंटिंगें बना के बेच करूँगा, तो कोई फ्रेंड्स वगैरह कह देता है ना, उसमें जैसे सब्सक्राइबर हो गया कोई और हो गया, तो इंस्टाग्राम पर इसकी पोस्ट डालता ना, तो वो मेरे को मनवा सकता है, होते हैं कई लोग। अभी तो मैं सीख रहा हूँ ना, इस कारण थोड़ा सा मतलब सही नहीं बनता, बस सीख जाऊँगा फिर मैं बड़ी बड़ी ड्राइंग बनाया करूँगा, तो ये मेरा ड्रीम है, तो बाकी देखते हैं, सीख रहा हूँ। तो गाइज अभी आ गया मंदिर में, और आज का ब्लॉग यहीं एंड करूँगा, तो अभी पाठ पूजा करूँगा मैं, तो थोड़ा सा आपको दिखा दूँगा बाद में। तो अभी आज का ब्लॉग यहीं एंड करूँगा, अभी तो दिन भी पड़ा है, सनसेट तो हो चुका है, और वैसे ये थोड़ा सा ना तो रात है ना दिन, बीच में से रह जाता है, तो शाम से हो चुकी है। तो चलो मंदिर में थोड़ा दीपक वगैरह जलाते हैं, थोड़ा सा सीन दिखाऊँगा आपको, प्रॉपर नहीं दिखाता मैं, तो वजन वगैरह भी करता हूँ मैं, वो नहीं दिखाता आपको मैं, तो देखता हूँ अभी फेसबुक पे लाइव करूँ या इंस्टाग्राम पर करूँ, थोड़ा सा लाइव करेंगे, तो मंदिर क्या दिखाऊँगा अभी, और वो एरिया ही नहीं। तो चलो, तो गाइस अभी आ गया मंदिर में, और दीपक वगैरह जला देता हूँ, और इतने आप इन्जॉय करो थोड़ा सा, और बाद में मैं लाइव करूँगा फेसबुक पर करूँगा आज, तो इतने में दीपक वगैरह कर देता हूँ।
गाइस अभी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तो ये ब्लॉग छोटा सा लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, और डेली लाइफस्टाइल ब्लॉग है तो छोटे बड़े ब्लॉग आते रहते हैं, और चलो मिलते हैं नेक्स्ट वाले ब्लॉग में। तो ये तो डेली रूटीन ब्लॉग है, आते रहेंगे, और ब्लॉग हो चुके हैं 316 लगभग, तो 300 फेस्ट करने के बाद में डिसाइड करेंगे भी डेली करना है या रुक रुक के करना है, मतलब डेली करने का है। एक बार रुक गया ना फिर आलस हो जाता है, फिर बीच में एक दिन रुकूंगा फिर डेली बनाऊँ, फिर बीच में गैप होने लग जाता है, बस मैं डेली रूटीन सही है, बस हैशटैग में नहीं रुकूंगा, डेली रूटीन ब्लॉग सही है, जितना छोटा बड़ा मैं आपको दिखाऊंगा तो छोटा ब्लॉग बना दूंगा पर डेली ब्लॉग सही है। चलो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जय हिंद जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट, जय श्री राम।